जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनीष कश्यप के जो नाम है सन ऑफ बिहार, उसी के आधार पर कुछ लोग मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार के आधार पर क्या कहने लगा, सन ऑफ दलाल, सन ऑफ बीजेपी, सन ऑफ बंगाल, सन ऑफ फलना, सन ऑफ चिलना, तो ये कहना क्या सही है? तो आइए इस पर देखते हैं। देखिए, मनीष कश्यप का जो नाम है सन ऑफ बिहार, वो अपने खुद से रखे होंगे शायद से, सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार का मतलब होता है बिहार का बेटा। हिंदी में से क्या कहते हैं, बिहार का बेटा। कम से कम एक बिहारी तो है जो अपने नाम के साथ गर्व से ये कह सकता है कि हम बिहार के बेटा हैं। नाम के साथ ही लिख लिए मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। यहाँ नहीं तो बाबू, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी, ये सब बन जाते हैं और इतना तक भी कहने में शर्माते हैं कि हम बिहार का बेटा, नहीं कहते कि हम बिहारी है, क्योंकि जानते हैं कि बिहारी बहुत, बिहार जो है बहुत पिछड़ा राज्य है। कम से कम एक मनीष कश्यप तो निकले कि अपने नाम के साथ लिख लिए। और भारत में पहली बार मेरे अंदाज से ऐसा हुआ कि कोई भी पूरे भारत में अपने नाम के साथ स्टेट का नाम इस तरह से शायद नहीं अभी तक हम देखे हैं कि कोई लिखा हो सन ऑफ यूपी, चाहे सन ऑफ नागालैंड, सन ऑफ गुजरात, हम तो नहीं देखे हैं। हाँ, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा निकले कि जो लिखे सन ऑफ बिहार, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिहार के बेटा हम लोग भी हैं। हाँ, आप भी बिहार से देख रहे हैं तो आप भी बिहार के बेटा, नहीं तो जहां से देख रहे हैं आप भी हैं तो आप भी कह सकते हैं। सन ऑफ बिहार कोई खास एक थोड़ी होगा, जो बिहार में जन्म लिया हुआ सन ऑफ बिहार है। अब सन ऑफ बिहार पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब कुछ लोगों ने मनीष कश्यप को सन ऑफ दलाल कहा, सन ऑफ बवासीर कहा, सन ऑफ बीजेपी कहा, तो क्या कहना ये सही बात है? तो जान लीजिए, सन ऑफ बिहार का मतलब होता है बिहार का बेटा, यहाँ सन ऑफ दलाल का मतलब होता है दलाल का बेटा। तो क्या मनीष कश्यप के माता पिता दलाल है? अरे मनीष कश्यप के पिताजी तो फौजी है, फौजी, और जो फौजी होता है पूरे देश को अपना मानता है। इस तरह से फौजियों को मोटिवेट किया जाता है कि पूरे देश को, क्योंकि हम फौजी को नजदीकी से देखे हैं, जानते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानता, पूरे देश को। अब बोल रहे हैं यहां पर सन ऑफ दलाल, सन ऑफ बवासीर, सन ऑफ बीजेपी, ये क्या कहना सही बात है? तो ये उनके, मनीष कश्यप अगर गलती करते हैं तो उनका विरोध कीजिए। हाँ, कहां से कहां प्रदर्शन कीजिए मनीष कश्यप के लिए, उनके माता पिता को गाली नहीं देना। ये गाली से क्या लग रहा है, सन ऑफ दलाल कहने के बाद इसे मनीष कश्यप का गाली हुआ? ये हुआ किनके, माता, उनके पिताजी पर जा रहा है, माता जी पर जा रहा है। हाँ, सन ऑफ बिहार का मतलब हुआ बिहार का बेटा, यहाँ दलाल का बेटा, तो बिहार क्या दलाल है? सीधा सीधा प्रश्न कहां जा रहा है? तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अगर मनीष कश्यप आपके नजर में अच्छे नहीं है तो कड़ा से कड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, उनके जो कमियां है वो बता सकते हैं, पूरा कमियां बता सकते हैं, जो बोलना हो सभ्य तरीका से बोल सकते हैं। अब इसी पर आ जाते हैं, पढ़े लिखे गणित के बहुत अच्छे शिक्षक और कहिए तो गणितज्ञ विपिन सर, उसने भी मनीष कश्यप को कहा सन ऑफ बंगाल। विपिन सर, थोड़ा ध्यान से सुनना है कि सन ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल का बेटा। जो एक बार बिहार में जन्म ले लिया है बिहार का बेटा, उस सन ऑफ बंगाल कैसे हो सकता है? क्या सन ऑफ बंगाल का मतलब आपको पता नहीं है, बंगाल का बेटा? आप जानते हैं विपिन सर, आप भी सन ऑफ बिहार है। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप अपने नाम के साथ पेटेंट करा लिए हैं कि भाई सन ऑफ बिहार है, बिहार में जो जन्म लिया है सब सन ऑफ बिहार है, कह सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? और विपिन सर ने कहा टाइटल, कि मनीष कश्यप खुद अपना टाइटल खुद लगा लिया है, तो टाइटल जो होता है खुद ही लगाया जाता है, कोई आपको टाइटल आकर के नहीं लगाएगा। जैसे आपने भी लगाया होगा विपिन यादव, तो थोड़ी है कि आपको गांव घर या जिला जवाहर का आया होगा कहने कि आप विपिन यादव लगाइए, टाइटल खुद ही लगाया जाता है, ठीक है। और आपने कहा था कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये टाइटल नहीं है विपिन सर, ये उपाधि है, उपाधि, और उपाधि दिया जाता है, उपाधि खुद नहीं लगाया जाता है। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि जो बिहार में जन्मा है वो बिहार का बेटा है, हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा, सन ऑफ बिहार हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और टाइटल और उपाधि में अंतर होता है, उपाधि दिया जाता है, उपाधि लिया भी जाता है, लेकिन टाइटल खुद ही लगाया जाता है, माता पिता के अनुसार, आधार पर, जिसके अनुसार लगा सकते हैं। जैसे हम बिहार का बेटा सन ऑफ बिहार, इसमें किसी का क्या आपत्ति है? अगर मनीष कश्यप किसी को पसंद ना है, अगर वो कुछ गलती किए हैं, कर रहे हैं, रास्ता से भटक रहे हैं, तो उनको कड़ा से कड़ा प्रदर्शन किया जाए, हाँ, विरोध किया जाए, ना कि इस तरह से अभद्र तरीका से गाली दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और पढ़े लिखे जैसे व्यवहार कीजिएगा। अगर कमियां निकालना हो तो सब में कमियां निकाल सकते हैं। जो जन्म लिया है किसी न किसी गलती से ही जन्म लिया है, अगर गलतियां ना होता तो जन्म ही नहीं लेता। हाँ, तो किसी में अगर कमियां है तो सभ्य तरीका से रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और इस तरह के उलूल झुलूल प्रश्नों से हटे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।